तो महुआ बैठक हमारे पास एक्सपर्ट पैनल नरेंद्र महुआ में शू हाल में सीमांकन ज्ञाति गणित कही रही है। महुआ बैठक में नवा सीमांकन बाद एक तो महुआ जे तालुको है तो संपूर्ण आ बैठक में आए तेमज वालोड तालुको जे तापू तापी जिल्लो है तेनो तालुको है ते तेमज बारडोली तालुका 28 गामों आ विधानसभा जे क्षेत्र है महुआ तेमा समावेश पाम्या है। आ जे विस्तारों खास करीने बारडोली 28 गामों जोईए ते कांग्रेस तरफ झुकाव धरावनारा जे गामो छे ते मोटा भागे आया छे अने ते पहला बारडोली में आवता हता अने अत्यारे ते महुआ में स्थान पाम्या छे। डॉक्टर जा अहीं खास करीने महत्वनो मुद्दो जोवा मळे के सहकारी फेक्टर और खांडनी जी फेक्टरीओ छे ए पण जोवा मळती होय छे तो आजे सहकारी फेक्टर ने खांडनी जी फेक्टरीओ छे ए लोकोनी जे असर छे अहीं राजकारण में केटली जोवा मळशे? मिस्टर जनक मैं आपको बताऊं सहकारी क्षेत्र का काफी बड़ा योगदान है यहाँ के पूरे आर्थिक संरचना में। दक्षिण गुजरात की बात करूं जिसे महुआ बारडोली और एशिया के 20 बड़े चीनी फैक्ट्री सुगर मिल इसी रीजन में है जैसे महुआ हो गया बारडोली हो गया कुछ गंदी भी और नवसारी की तरफ में भी है। अब यहाँ की पूरी आर्थिक स्थिति जो आर्थिक डिपेंडेंसी कर सकते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वो आपके कॉपरेटिव मूवमेंट पे ही है। जो सुगर कैन फैक्ट जो अपने प्रोडक्शन होता है उनकी खेती होती है और सुगर मिल्स वगैरह का है तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रोडक्ट से पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है तो उसका पॉलिटिकल एक एंगल होता है वहां पे। जैसे कि आप अगर देखें मानसिंह भाई पटेल वगैरह जो एक नोन नेम है जो बीजेपी के रहे हैं अब वो लोग इसके इसमें कहीं ना कहीं उसके अपने यूनियन या इस तरह से जितने भी हैं उनके चेयरमैनशिप वगैरह में जो सुगर फैक्ट्रीज के मिल्स के एसोसिएशन होते हैं उसमें उनका सक्रिय योगदान रहता है। और कहीं ना कहीं जो पूरा वहां का अगर आप उठा के देखेंगे आसपास के महुआ एंड महुआ के रीजन के में बारडोली तक चूंकि बारडोली के 28 गांव जैसे नरेंद्र ने बताया कि इस बैठक में समावेश कर दिया गया है सहकारी क्षेत्र का वर्चस्व होना एक स्वाभाविक चीज है। उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह से होगा और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको कि महुआ के आसपास ही वेटसी आश्रम भी है जो एक गांधी जी का भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है स्वतंत्रता से पहले बिल्कुल सो एक गांधीवादी और ऊपर से अमर सिंह चौधरी जो भूतपूर्व मंत्री थे उनके लड़के जो तुषार चौधरी जो है जो केंद्रीय मंत्री है जो कांग्रेस का है। और अगर पूरा बैठक के देखें तो महुआ सहकारी क्षेत्र की जो स्थिति है अगर महुआ एपीएमसी लें तो वहां भाजपा है अभी महुआ पीपुल्स बैंक लें तो भाजपा लेकिन वालोट नागरिक सहकारी संघ वहां कांग्रेस फिर महुआ तालुका खरीद बेचान संघ में भाजपा है वालोट तालुक खरीद बेचान संघ में कांग्रेस तो अगर 7 कॉपरेटिव क्षेत्र की बात करें महुआ बैठक में तो 4 बीजेपी के पास और 3 करीब करीब जो बैलेंस है पॉलिटिकल तराजू जो है वो लगभग बराबर दिखता है अभी। और नवा सीमांकन के बाद जो इसे महुआ बालोड एंड बारडोली के जो कुल जो गांव सब जो है 69 महुआ के 39 तापी के एंड बारडोली के 86 ये पूरा मिला करके जितना आप देखेंगे तो एक समावेश हुआ है ये तीनों फैक्टर। और वहां पे अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन को जो अभी जो एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें 4 और 3 ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का जो कि 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी एंड कांग्रेस उस महुआ क्षेत्र में किसकी बढ़त होगी। और एक ट्राइबल फैक्टर जो है जो आप पूरा उठा के देखेंगे कि जो इसमें कि किस तरह के लोग हैं जो धौलिया पटेल चौधरी हलपत गामित मुस्लिम वक्षीपंस आदिम जूत ट्राइबल एंड पर प्रांतीय और अन्य में 30,000 तो 2,01,000 के जो टोटल वोटर्स हैं उसमें करीब करीब जो सबसे ज्यादा है वो धौलिया पटेल वगैरह हैं चौधरी भी 20% के आसपास हैं हलपति जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी तक रहा है वो भी 12% के आसपास है यहाँ पे है। तो ये एक बड़ा ही नवा सीमांकन बाद से जो जाति संरचना है जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में वो बहुत ही बदल चुका है पहले की स्थिति में। लेकिन जितने ताल्लुक और सहकारी इस बैठक में सहकारी क्षेत्र हैं उसमें 4 पे बीजेपी का अभी वर्चस्व है और 3 पे कांग्रेस का है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैटल ऑफ बैलेट्स होंगे आने वाले विधानसभा। समग्र गुजरात में जुआ जाइए तो समग्र गुजरात ना प्रमाण में अहीं सहकारी जे क्षेत्र छे ते बहु मजबूत छे अने ए सहकारी क्षेत्र पर बन्ने पार्टीओनो दबदबो रह्यो छे। पछी अहींना जे नेताओ जोवामां आवे तमे जो नजर करो तो मोटा भागना नेताओ छे તે સહકારી ક્ષેત્રમાં છે માનસિંહભાઈ હોય ઈશ્વરભાઈ હોય પછી મોહનભાઈ હોય કે જે
બધા જ નેતા હોય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે અને કદાચ એના કારણે જ તેઓ સંગઠનમાં વધારે આગળ પડતા આવ્યા હોય તેવું જોઈ શકાય છે. બિલકુલ ડોક્ટર જા, ખાસ કરીને રાજકીય રીતે આ બેઠકનું મહત્વ કેટલું કહીશું? એક તો મહુવા બેઠક એ દક્ષિણ ગુજરાત કા ઇન્ટીરિયર હો ગયા, અંદર વાલી જગહ હો ગઈ, ઓર આપ ઉસકો ઉઠા કે દેખેંગે તો કોંગ્રેસ કા વર્ચસ્વ રહા, જિસ धीरे धीरे उसमें पेनिट्रेशन करने की कोशिश भाजपा ने पिछले कई वर्षों में किया है. जिस तरह से मानसिंह भाई पटेल हम भाजपा के रहे हैं, एक दमदार एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, तो फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तुषार भाई चौधरी या उनके पिताजी अमर सिंह चौधरी थे. तो कांग्रेस एंड बीजेपी भाजपा एंड कांग्रेस दोनों का एक क्या कहते हैं उसको कि एक समान वर्चस्व रहा है वहां पे. और ट्राइबल एरियाज होने की वजह से जो ट्राइबल फैक्टर्स के जो वहां पे हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स, उकई डैम का था जो वहां से विस्थापित लोग हुए थे, वो फैक्टर है. अभी हाल में आप ले लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का. और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है, जो लोग वहां से त्रस्त हैं, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो दीपड़ा की बात करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये नरेंद्र जुड़ेगा कि नरेंद्र मोटा भागना जो शहरों से गामडाओ से में प्राथमिक सुविधाओं अभाव जो मळ्यो छे, अहीं वात करूं અહીંયા અલગ સમસ્યાઓ જોવા મળે છે, આ કઈ સમસ્યાઓ અલગ છે? જી, સમસ્યાઓમાં આપણે અહીંયા ખાસ કરીને જોઈએ તો બેરોજગારીનું પ્રમાણ બહુ જ મોટું છે. કારણ કે આ સમગ્ર વિસ્તારને જોવામાં આવે તો માત્ર ને માત્ર કોઈ લોકો પાસે ધંધો હોય યુવાનો માટે તો એક છે સુગરમાં કામ કરવું, અથવા બીજું છે તો કે જે કોરી પથ્થર તોડવાનું કામકાજ હોય છે ત્યાં. આ બે એક જ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી આ વિસ્તારમાં આવેલી છે, આ સિવાય બીજી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી આ વિસ્તારમાં જોવા નથી મળતી, જેના કારણે શિક્ષિત બેકારો આજે બેરોજગાર છે અને તેમને નોકરીના સાંસા પડી રહ્યા છે, જેના કારણે બેરોજગારીનો પ્રશ્ન સૌથી મોટો છે. આ સિવાય બીજો એક પ્રશ્ન જે છે તે ઝા સાહેબે કહ્યું તેમ કે સુગર ફેક્ટરી ત્યાં વધારે આવેલી છે અને સુગરમાં ખાસ કરીને ઉનાળોના સમય હોય છે અને જે વાલોડ વાત કરી તાપીનો, વાલોડ તાલુકામાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન આ છે અત્યારે કે જ્યાં ઉનાળાના સમયમાં લોકોને ચિતા મતલબ દીપડાના કારણે બહુ જ મોટી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. કેટલા એવા બનાવો બન્યા છે કે જેમાં દીપડાએ લોકો પર હુમલાઓ કર્યા હોય, વન વિભાગ દ્વારા પણ તેના માટે પગલાં ભરવામાં આવે છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તે હજુ સંપૂર્ણ રીતના બંધ થઈ શક્યું તેવું નથી અને વારંવાર તે હુમલાઓ દીપડાના જારી રહેતા હોય. એટલે આ એક મોટો પ્રશ્ન છે સ્થાનિક લોકો માટે, એવું કહી શકાય કે કોનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે, દીપડાનું કે માણસનું? બિલકુલ મિસ્ટર જનક, આપણે જૈસે કહા કે મૂળભૂત સુવિધાઓ કી, ये दीपड़ा की बात थोड़ी देर के बाद कर लेंगे. लेप्टोस्पिरोसिस, बिल्कुल, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और पिछले कई वर्षों से पूरा दक्षिण गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लेप्टोस्पिरोसिस जो मीठी रिवर जो बॉम्बे में है, मुंबई में, कुछ वर्ष पूर्व 2006 और 2007 के आसपास वहां पे जो काफी बाढ़ आई थी उसमें, तो उसके बाद लेप्टोस्पिरोसिस के सबसे ज्यादा केसेस हुए थे. कांग्रेस की गवर्नमेंट होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस मांगा था दक्षिण गुजरात से कि लेप्टोस्पिरोसिस की रोकथाम के लिए आप लोग क्या करते हो. गाइडलाइंस तो भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे लेप्टोस्पिरोसिस का अगर आप फिगर उठा के देखेंगे पूरे दक्षिण गुजरात में तो करीब करीब 100-150 जो खेडूत बेचारे हैं उनकी मौत हमेशा जाती है. हर बार, इस बार भी प्री मानसून प्लानिंग की एज ए पार्ट ऑफ दैट कि ये योजना होगी, एक सर्विलेंस टीम बनेगा, 1000 पॉपुलेशन वाले गांव में, आबादी वाले गांव में एक किसी मॉनिटर रखेंगे, जहां कहीं भी कुछ इस तरह की किसी को ताव आया या तकलीफ हुई तो उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रेफर करेंगे. लेकिन और इसमें आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दिल्ली वाले जो है उनका भी पहल था, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई जो लेप्टोस्पिरोसिस को पूरे रूप से रोक दिया. बिल्कुल रोक दिया. जैसे अभी बात करिए कि महुआ में भाजपा संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सके छे? डॉक्टर जी, इसमें भाजपा की तरफ से सबसे पहले जो नाम लिया जा रहा है वो मानसिंह भाई पटेल, एक काफी नोन नेम है, काफी एक्टिव रहे हैं कई वर्षों से, सहकारी अग्रणी रहे हैं, सुमूल डेरमी का भूतपूर्व डायरेक्टर और सूरत रूरल के सांसद भी रहे हुए हैं और पूर्व धारा सब 1990 से लेकर 1995 तक, 1995 तक महुआ सुगर ना करीब करीब 22 साल से वो उसको लीड किए हुए हैं. दूध मंडली पिछले 20 सालों से है, तो इनका एक पूरा सहकारी और दूध मंडली में इनका काफी दबदबा रहा है और एक काफी दमदार नेता के रूप में, उम्मीदवार के रूप में भाजपा की तरफ से माने जा रहे हैं. दूसरा जो प्रवीण राठौर हैं,
ये नरेंद्र बताएंगे। प्रवीण भाई एक पूर्व धारासभ्य रही चुक्या छे, तेओ बे वार बारडोली माथी चूंटाई आव्या छे, तेमज एक वार कामरेज विधानसभा क्षेत्र माथी पण चूंटाई आव्या छे। भाजप सूरत जिल्लाना महामंत्री छे तेओ, तेमज हड़पती ज्ञातिना अग्रणी छे, अने बारडोली तालुकाना जे केटला गामडाओ आ વિસ્તારમાં સમાવેશ પામ્યા છે મહુવા વિસ્તારમાં, તેમજ આમનું ખાસ કરીને પ્રભુત્વ જોવા મળ્યું છે। હળપતિ સમાજના તેઓ નેતા છે, અને હળપતિ સમાજ આ વિસ્તારમાં જોવા જાવ તમે તો બીજા ત્રીજા નંબરે આવે છે, એટલે એમની શક્યતાઓ જોઈ શકાય છે। બિલકુલ, એક તીસરા નામ ભી મિસ્ટર જનક આ રહા હૈ ઇસમે, તુષાર ચૌધરી કા, જો જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય હૈ મહુવા મેં અને જિલ્લા આરોગ્ય સમિતિ કે અધ્યક્ષ હૈ। ઇનકી છવિ કાફી સાફ હૈ ઓર ઇનકા નામ ભી एक संभावित उम्मीदवार के रूप में भाजपा की तरफ से लिया जा रहा है। जहां तक कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों का नाम है, वो इसमें ईश्वर भाई बाहिया हैं, जो वर्तमान धारासभ्य हैं, सिटिंग एमएलए हैं, गांधीवादी भी हैं, अधोलिया पटेल जाति के अग्रणी रहे हुए हैं। और ये आपको मैं बताऊं दो फैक्टर, एक तो धोलिया पटेल जो काफी संख्या में वहां पे हैं, बिल्कुल 28 जी 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 हाँ 28,000 के आसपास हैं वो लोग तो इसमें। और दूसरी बात है कि वेटची आश्रम भी आसपास में ही है वहाँ पे, व्यारा के पास वेटची आश्रम, और गांधीवादी, तो गांधीवादी फैक्टर अभी भी काफी सक्रिय है उस पूरे रीजन में जिसे महुआ भी आता है। तो इनका नाम, और चूंकि सिटिंग एमएलए भी है। अब दूसरे खंडू भाई पटेल जो नरेंद्र बताएंगे। खंडू भाई पोते धोड़िया पटेल ज्ञाति ना अग्रणी रहा है, ત્રણ ટર્મથી વ્યારા સુગરના ડિરેક્ટર છે, સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી રહી ચૂક્યા છે, તેમજ છેલ્લા 15 વર્ષથી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ છે। ખંડુભાઈ વિશે એવું કહેવાય છે કે તેઓ સહકારી ક્ષેત્ર સાથે સારી રીતના જોડાયેલા છે, અને જો તેમને ટિકિટ આપવામાં આવે તો સહકારી ક્ષેત્રનું પૂરેપૂરું સમર્થન તેમને મળી શકવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। આ સિવાય સરે જે વાત કરી ઈશ્વરભાઈ વહિયાનું, તો એમને વિશે એક નાની વાત કહેવા માંગીશ કે પાયાના કાર્યકર્તા રહ્યા છે પહેલાથી, ને એમની સાથે વાત થયેલી ત્યારે એમને એક વાર જણાવેલું કે હજુ સુધી મેં મારું વિઝિટિંગ કાર્ડ નથી બનાવડાયું, એટલે કે એ પોતે પોતાની જાતને પણ ગાંધીવાદી લેવલના નેતા કહી શકે। આ ઉપરાંત કયા કયા નામો સામે આવે છે? કુંવરજી હળપતિ કે જેઓ અત્યારે બારડોલીના સિટિંગ ધારાસભ્ય છે, પરંતુ બારડોલીની જે છે તે એસટી માંથી એસસીમાં આવી ગઈ છે, જેના કારણે તેમનું નામ પણ આ સમાજ મહુવામાંથી ચાલી રહ્યું છે। તેઓ હળપતિ સમાજના અગ્રણી તેમજ સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ છે। એક વાત એવી પણ મળી રહી છે કે કુંવરજી હળપતિ કે જેમને જ્યારે સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મહુવામાંથી તેમને કદાચ ના પણ આપવામાં આવે। આ વાતો મળી રહી છે, આમાં કેટલું તથ્ય છે એ તો આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે, લોકમુખે ચર્ચા રહી છે। બિલકુલ, એક એક વિમેન કેન્ડિડેટ ભી હે કોંગ્રેસ કી તરફ સે, ઉસકે બારે મેં નરેન્દ્ર બતાયું જરૂરથી, હિમાંગીની ગરાશિયા કરકે હે, વ્યવસાય તેઓ એડવોકેટ છે, તેમજ જિલ્લા મહિલા મોરચાના પ્રમુખ અને એક સક્રિય કાર્યકર્તા તેઓ રહ્યા છે। જો કોઈ મહિલાનું નામ સૂચવવામાં આવે આ વિસ્તારમાંથી તો જરૂરથી તે હિમાંગીની બેન ગરાશિયા જ હોઈ શકે। બિલકુલ, આ તો વાત કરીએ આપણે સંભવિત ઉમેદવારો, ડોક્ટર જા એક પ્રશ્ન એ મનમાં થાય કે ભાજપ અને કોંગ્રેસ અહીંયા સરખા લેવલે જોવા મળે છે, સહકારી અગ્રણી, સહકારી જે છે ખાધું છે એમાં, અને રાજકીય રીતે પણ આવી પરિસ્થિતિમાં મહુવા બેઠક પર શું સમીકરણો રચાઈ શકે? ઇસમાં મિસ્ટર જનક, સહકારી મંડળી સહકારી ક્ષેત્ર કા વર્ચસ્વ તો રહેગા હી, જો વો जो भाजपा के कैंडिडेट हों चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों, जिनका सहकारी क्षेत्र से कहीं ना कहीं संलग्न है और राजकरण में भी है, उनका वर्चस्व ज्यादा रहेगा वहां पे ये महुआ बैठक पे। क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि देखिए वालोट भी है, बारडोली भी है, महुआ बैठक भी है, और पूरे जितने भी गाँव के इंटीरियर विलेज पॉलिटिक्स में जाति विशेष का प्रभुत्व होता है वहां पे, और सहकारी क्षेत्र जो आर्थिक संरचना उस पूरे क्षेत्र को देता है, तो दोनों का मिला जुला અસર દેખનો કો મિલે આ બેઠક કોંગ્રેસ પાસે છે। બિલકુલ, તો ભાજપ ની શું રણનીતિ છે? આપ જોયું હશે મહુવામાં શું ભાજપ રણનીતિ ઘડી રહ્યું છે કે આ બેઠક 2012 માં પોતાના નામે આવશે, કોઈ કાર્ય કર્યું છે ભાજપે? હાલ એ જીતને ભી યહાં સે ભાજપ યા વર્તમાન સરકાર હે નરેન્દ્ર મોદી કી, આપ દેખતે હૈ કે ટ્રાઇબલ એરિયાઝ મે, ઇન્ટીરિયર્સ મે, ગામડા કે લિયે ઓર જીતને ભી तरह तरह की स्कीम्स ला करके इनका फोकस उसी पे रहता है कि इनको विकास का ये बताने का कि हम विकास लक्ष्य हैं, इनकी चुटनी लक्ष्य में विकास को दर्शाने के लिए, ताकि वहां से जो ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न है उसको थोड़ा सा प्रभावित करके अपनी तरफ ले लें।
उनका प्रयास इस तरफ का है, लेकिन जो कांग्रेस का है वो ट्रेडिशनल वोट स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, लेकिन जो नवा सीमांकन के बाद जो पूरी जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन आबादी की जो पूरे जो अनुपात कहते हैं वो अलग ढंग का हो गया है। तो दोनों ही पार्टियों को कुछ रणनीति में स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाने पड़ेंगे जीतने के लिए। बिल्कुल, बारडोली જોવામાં આવે કે મહુવા જોવામાં આવે, બંને વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં ટ્રાઇબલ લોકો સૌથી વધારે વસે છે, અને બંને સીટો જે છે તે કોંગ્રેસ પાસે છે, અને આ બંને તુષારભાઈ ચૌધરીના લોકસભાનું જે આવે છે તે વિસ્તારમાં આવે છે, એટલે જો આદિવાસી લોકોને જોવામાં આવે તો તેઓ પરંપરાગત રીતે કોંગ્રેસના વોટર્સ રહ્યા છે, અને તેમાં અત્યારે તેમના ગઢમાં ભાજપ દ્વારા છીંડું પાડવાનું કદાચ કામકાજ જારી રહ્યું હોય તેવું કહી શકાય, કારણ કે સતત ત્યાં સભાઓ યોજવી બીજેપી દ્વારા, તેમજ લોકહિતના કાર્યો કરવા આવા સતત પ્રયત્નો ત્યાં જારી છે। ડોક્ટર જા, એક અંતિમ પ્રશ્ન કે આ બેઠક બંને પક્ષો માટે, ખાસ કરીને ભાજપ માટે, કારણ કે એમની પાસે બેઠક છે અને એમના માટે કેટલી મહત્વની રહેશે? मिस्टर जनक, इसमें भाजप के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो उनका प्रयास है कि दक्षिण गुजरात में इंटीरियर में अगर आप देखें तो तुषार भाई चौधरी जो बारडोली के सिटिंग एमपी हैं, उधर किशन पटेल वलसाड में देखें तो पूरा जो ट्राइबल एरियाज में है बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है या बनाने की कोशिश की है पिछले कई सालों में, लेकिन उसका वोटिंग पैटर्न में कन्वर्ट करना ये इनके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी है और ये दिखाने का मौका भी है 2012। तो बीजेपी की पूरी कोशिश रही कि यहां से लें ताकि वो ट्राइबल एरिया जो जनजाति एरिया है उसमें इनकी पैठ हो जाएगी, तो वो सारी कोशिशें इनकी रहेंगी कि कांग्रेस से जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर का जो वोटिंग पैटर्न है जो लोग वहां से जीतते रहे हैं उसको वहां पर थोड़ा हटाएं वहां से। बिल्कुल, बने रहो, खूब खूब आभार। सूरत पश्चिम अने महुआ बैठक पर चर्चा करो आटली रोचक बाबतों जणावेल। तो दर्शक मित्रों, આજે વાત કરી બેઠક બોલે છે સુરત પશ્ચિમ અને મહુવા બેઠકની, દર્શકોને જણાવી દઈએ કે બેઠક બોલે છે કાર્યક્રમ આપ સત્તાના સાથે સાત દિવસ જોઈ શકો છો, અત્યારે રજા આપશો પરંતુ આપ જોતા રહો બીટીવી।